आम तौर पर सोयाबीन की आवक सितंबर महीने में होती है, लेकिन इस वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही हो गई। इंदौर की छावनी मंडी में इस वर्ष के खरीफ सीजन की सोयाबीन का 31 अगस्त को श्रीगणेश हुआ था और यह सोयाबीन 11,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि इस सोयाबीन में 14% नमी थी, इसलिए ज्यादा दाम भी देखने को मिले। वहीं सोपा के अनुसार सोयाबीन का रकबा पिछले साल के 118.4 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस सीजन में 123.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। सोया मिल आयात की तारीखों को अक्टूबर 2021 से अगले साल जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, जिससे सोयाबीन की कीमतों पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। NCDEX पर सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 6300 के आसपास कारोबार करता नजर आया। जानकारों के अनुसार सोयाबीन की कीमतों को 6200 का सहारा है और कीमतें 6200 से लेकर 6700 तक एक सीमित दायरे में कारोबार करती नजर आ सकती है। सोयाबीन में पहले वाली तेजी कहीं थमती नजर आ रही है, हालांकि कीमतें MSP से ऊपर ही ट्रेड करती हुई नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।